हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट थ्री ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटरप्रिटेशन व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एमए हिस्ट्री सो बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिविटी का मतलब उसका डेवलपमेंट एक डिबेट के ऑब्जेक्टिविटी हिस्ट्री में हिस्ट्री राइटिंग में पॉसिबल है या नहीं उसके क्रिटिक्स एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स सो हिस्टोरियंस का क्या कहना है ऑब्जेक्टिविटी को लेकर कितनी पॉसिबिलिटी है सो so, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे सो लेट्सार्ट विद द क्वेश्चन नंबर वन विच इज गिवन इन योर इग्नो बुक्स सो लेट स्टार्ट विदर्स्ट क्वेश्चन द क्वेश्चन इज वाट इज ऑब्जेक्टिविटी डिस्कस द हिस्टोरीग्राफिकल ट्रेडिशंस विच टेक द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एज दियर बेसिस सो एज द नो हिस्टोरीग्राफिकल ट्रेडिशन की हर जगह का अपना अपना हिस्ट्री राइटिंग का एक वे होता है एक तरीका होता है जैसे वेस्ट का अपना है परशिया का अपना है चाइना का अपना है तो कौन कौन से हिस्टोरियोग्राफिकल ट्रेडिशन हैं जिन्होंने ऑब्जेक्टिविटी को अपना बेस बनाया उन ट्रेडिशंस को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है और पहले हमें ऑब्जेक्टिविटी का मतलब समझना है ओके सो लेट स्टार्ट सो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है इसकी डेफिनेशन क्या है तो बुक में दिया हुआ है पीटर नाविक की डेफिनेशन ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है ऐसी राइटिंग जो हमें पास्ट की रियलिटी दिखाती हो जो नोवर और नोन को सेपरेट करती हो नोवर जिसके पास इंफॉर्मेशन है जो बता रहा है लाइक like हिस्टोरियन और नोन यानी जो नो, जो फैक्ट है जो हिस्ट्री है तो दोनों को सेपरेट कैसे करना है कि जो हिस्ट्री है वो क्या है पास्ट है रियलिटी में जो हुआ इन एक्चुअल पास्ट में और हिस्टोरियन उसका काम है उस जो पास्ट में जो रियलिटी हुई है जो भी इंसिडेंट हुआ है उसको रिकॉर्ड करना रिकॉर्ड करना फैक्ट्स के बेसिस पे यानी कि अपना इंटरप्रटेशन अब इंटरप्रिटेशन क्या है जाहिर सी बात है जब हम हिस्ट्री लिखते हैं तो जो हिस्टोरियन हिस्ट्री लिख रहा है उसका इंटरप्रिटेशन उसमें आएगा ही इंटरप्रिटेशन क्या है द वे ऑफ एक्सप्लेनिंग फैक्ट्स द वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दैट हिस्ट्री बट द थिंग इज़ कि जो हम इंटरप्रिटेशन करें वो कभी फैक्ट से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करने चाहिए यानी ऐसा नहीं कि फ़ैक्ट्स कुछ और कह रहे हैं और हम अपना इंटरप्रिटेशन कुछ और कर रहे हैं फैक्ट्स और इंटरप्रिटेशन दोनों चीज़ साथ साथ-साथ चलनी चाहिए अगर अगर फैक्ट्स को छोड़कर इंटरप्रिटेशन किया जाए तो इट मीन्स कि हम हिस्ट्री को तोड़ मोड़ कर प्रेजेंट कर रहे हैं हिस्ट्री आर फाउंड नॉट मेड हिस्ट्री जो होती है वो जो ट्रुथ है वो रियलिटी जो है वो है उसको बनाया ना जाए अलग से उसको अपनी इंटरप्रिटेशन से इसको फ्रेम ना किया जाए अपने पर्सपेक्टिव डालकर अपने पर्सनल ओपिनियन डालकर उसको बनाना नहीं है क्योंकि हिस्ट्री जो है जो फैक्ट्स कह रहे हैं बस वही हमें रिकॉर्ड करना है नाउ एन ऑब्जेक्टिव हिस्टोरियन यानी वो हिस्टोरियन जो अपनी राइटिंग्स में ऑब्जेक्टिविटी यूज़ करता है ही शुड बी इम्पार्शल एंड शुड नॉट टेक साइड्स वो हमेशा इम्पारशल रहता है यानी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है ना ही किसी एक साइड को फेवर करता है जब वो कोई इवेंट को एक्सप्लेन करता है फॉर एग्जांपल जब हम 1857 रिवोल्ट को पढ़ते हैं वो तो, तो उस इवेंट के हर एक स्पेयर को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं हम देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से अलग अलग लोग थे जो ब्रिटिशर्स uh, के अगेंस्ट खड़े हो गए थे ये एक चीज़ थी बट क्या हम ये चीज़ नहीं पड़ती कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो ब्रिटिशर्स को फेवर कर रहे थे बट अब एज एन इंडियन मैं एक हिस्टोरियन हूँ और सिर्फ ये सोचूं कि नहीं यहाँ पे हमें ब्रिटिशर्स को विलन दिखाना है और अपने इंडियंस को एक तरह से दिखाना है कि दे ऑल ओवर यूनाइटेड और मैं वो वाला पॉइंट उसमें ना डालूँ कि सम पीपल वर फेवरिंग ब्रिटिशर्स तो ये जो हिस्ट्री राइटिंग है ये कैसी हो जाएगी इसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहेगी क्योंकि इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन आ गया क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि इंडिया की हमारे जो इंडियन पीपल थे जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे उनको मैं एक यूनाइटेड दिखाना चाह रही हूँ और ब्रिटिशर्स को एज अ विलन दिखाना चाह रही हूँ बट क्या ये रियलिटी नहीं है कि कुछ लोग जो इंडियन ही थे वो ब्रिटिशर्स को फेवर कर रहे थे उन्हें सपोर्ट कर रहे थे थिंग इज इन ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री राइटिंग वी फोकस ओनली ऑन द ट्रुथ ऑफ एविडेंसिज़ जो भी हमें एविडेंसेस मिले हैं उसके बेसिस पर ही हमें अपनी हिस्ट्री राइटिंग करनी है अपने पर्सनल बिलीव्स उसमें रिफ़्लेक्ट नहीं होने चाहिए तभी वो एक ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री राइटिंग कहलाएगी किसी भी हिस्ट्री राइटिंग में ऑब्जेक्टिविटी रिस्क पर होती है अगर वो यूटिलिटेरियन परपज़ से लिखी जाए मुझे टेलेटेरियन यानी किसी को फ़ायदा देने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इंडो पर्शियन हिस्ट्री पढ़ी थी उसमें हमने बहुत सारी ऐसी हिस्ट्री राइटिंग देखी जो कि राजा को खुश करने के लिए लिखी जाती थी तो वो क्या है एक पर्पज़ है अब इस तरह की हिस्ट्री राइटिंग में जाहिर सी बातें ऐसी ही इंफॉर्मेशन दी जाएगी जिससे कि लोग इनफ्लुंस हों राजा की बड़ाई हो उसको एग्जैजरेट करके वो लिखा जाएगा क्योंकि पर्पस कुछ और है पर्पस ये नहीं है कि हमें फैक्ट्स दिखाने पर्पस ये है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन डालनी है जिससे कि राजा खुश हो सो वी गॉट टू नो द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री राइटिंग ऐसी हिस्ट्री जो कि एविडेंस पे बेस्ड हो फैक्ट्स पे बेस्ड हो लॉजिकल हो कोई अपना पर्सनल उसमें ओपिनियन ना हो हिस्टोरियन जो हो वो न्यूट्रल uh, हो ऑब्जेक्टिव हो ना लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिविटी uh, हमें कौन कौन सी हिस्ट्री राइटिंग में देखने को मिली है वो हमें बताना है तो सबसे पहला बिलीव कि पास्ट की रियलिटी को जाना जा सकता है जो भी पास्ट में हुआ है जो ट्रुथ है उसको हम रिकवर कर सकते हैं ये ट्रेडिशन सबसे पहले वेस्टर्न हिस्टोरियोग्राफी में डोमिनेंट था कब से था हेरोडोटस के टाइम से हेरोडोटस जिन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है तो ये ऑब्जेक्टिविस्ट अब, ट्रेडिशन जो था इस इनका मानना था कि जो पास्ट में रियल में हुआ है उसको हम मिरर रिप्रेजेंटेशन मतलब जैसे हुआ है एज इट इज़ हम उसको दिखा सकते हैं वो पॉसिबल है अब जैसे जैसे मॉडर्न साइंस डेवलप होती है तो हमें मॉडर्न साइंस का फ्लेवर भी इसमें दिखने लगता है कि अब जो मेथड साइंस में यूज़ होते थे ये माना जाने लगता है कि अब ये ह्यूमन नॉलेज में भी ये मेथड यूज़ हो सकते हैं फॉर एग्जांपल पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन जो ऑगस्ट uh, कौमते इसके फाउंडर थे इनका मानना था कि जो इंडक्टिव मेथड नेचुरल साइंस में यूज़ होता है यानी कुछ जनरल लॉज जो हम अप्लाई करते हैं उसको हमें हिस्ट्री में भी अप्लाई करने की ज़रूरत है इनका मानना था कि जितनी भी सोसाइटीज़ हिस्ट्री में आई हैं शुरू से लेकर अब तक कुछ ना कुछ जनरल लॉज से होकर वो गुजरी हैं जिन्हें डिस्कवर करने की ज़रूरत है तो इन्होंने थ्री स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बताई हैं जो हर सोसाइटीज़ ने हिस्टोरिकली फेस करी पहली स्टेज फिक्शियस स्टेज जिसमें ह्यूमन का माइंड इन फैंसी यानी कि अभी यंग है काफ़ी और जो कोई भी नेचुरल फेनेमिना होता है फॉर एग्जांपल अगर बारिश हो रही है या बाढ़ आ रही है तो उसको वो कैसे समझते हैं लोग वो समझते हैं कि कुछ सुपर नेचुरल पावर की वजह से हो रहा है जैसे लोग नेचुरल चीज़ों की पेड़ या सूरज वगैरह की पूजा किया करते थे उन्हें क्योंकि उन्हें लगता था कि इसमें कुछ सुपर नेचुरल पावर है सेकेंड स्टेज मेटाफिज़िकल और एब्स्ट्रैक्ट स्टेज जो कि एक ट्रांजिशनल स्टेज भी है Uh, जिसमें ह्यूमन माइंड जो है वो एडोलेसेंस की तरफ ट्रांजिट हो रहा है यानी अब थोड़ा डेवलप हो रहा है और जो भी नेच नेचर में जो प्रोसेस हो रहा है जो भी नेचुरल uh, चीज़ें हो रही हैं उसे वो समझता है कि इसके पीछे कोई मैजिकल पावर है जिसकी वजह से ये हो रहा है एंड थर्ड स्टेज इज़ पॉजिटिव स्टेज जिसमें ह्यूमन माइंड मेच्योर हो रहा है जिसमें जो भी कोई नेचुरल फ़ेनिना हो रहा है जैसे सूरज निकल रहा है तो अब वो उसका कॉज नहीं ढूंढ रहे हैं बल्कि ऐसे लॉज डिस्कवर करना चाह रहे हैं किसके बेसिस पर ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर अपनी रीजनिंग अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन कर सकें और यही वो स्टेज है जिसको साइंटिफिक स्टेज भी कहा गया है जिसमें कि ह्यूमन माइंड डेवलप हो चुका है तो ये पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन था जो कहता है कि कुछ यूनिवर्सल लॉज ऐसे हैं जो सारी की सारी सोसाइटीज़ पर अप्लाई करते हैं और इसी की वजह से हम हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिविटी यानी कि जो पास्ट में हुआ उसको एक्चुअल में लिख सकते हैं दिखा सकते हैं अब नाइन्टीन सेंचुरी में एक ट्रेडिशन और था जिसने ऑब्जेक्टिविस्ट हिस्ट्री को अपना बेस बनाया और ये ट्रेडिशन स्टार्ट होता है नेबर और रैंके से दोनों ही जर्मनी के थे जबकि नेबर ने आ, हिस्ट्री राइटिंग में क्रिटिकल मेथड यानी कि एनालिटिक अच्छे से एनालाइज़ करना ये वाली चीज़ दी जबकि रैंके ने आ, जो ऑब्जेक्टिव हिस्टोरियोग्राफी थी उसकी फाउंडेशन दी इनका मानना था कि हिस्टोरियन की जॉब होती है पास्ट को इन्वेस्टिगेट करना और उसके लिए उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होती है सोर्सेज़ की लेकिन सोर्स को यूज़ करने से पहले उसको एग्ज़ामिन करना बहुत ज़रूरी है कि वो जनवन है या उसमें कोई मिलावट तो नहीं है और एक बार अगर हम ये देख लें कि जो सोर्सेज हैं जो रिकॉर्ड्स हैं वो जनवन हैं और जिस एज के जिस एज की हम हिस्ट्री लिखने वाले हैं उसी एज से बिलोंग करते हैं तो हम कम्प्लीटली उस पर फेथ रख सकते हैं यानी कम्प्लीटली उसको अपना बेस बनाकर हिस्ट्री राइटिंग कर सकते हैं ऐसे सोर्सेज़ को हम प्राइमरी सोर्स भी बोल सकते हैं फर्स्ट हैंड सोर्सेज भी बोल सकते हैं क्योंकि ये उसी टाइम पीरियड में लिखे जाते हैं एक बुक है जो उसी टाइम पे लिखी गई और बाद में उसी बुक की कॉपी प्रिंट हुई तो जो बुक एक्चुअल में लिखी लिखी गई जो ओरिजिनल बुक है वो प्राइमरी सोर्स हुआ और जो प्रिंटेड वंस हैं जो बाद में प्रिंट हुई वो सेकेंडरी सोर्स हैं जिन पर इतना हम रिलाय नहीं कर सकते तो रैंकू यूज़ टू बिलीव कि पास्ट को दोबारा से लिखा जा सकता है ऑब्जेक्टिविटी के साथ और जो रिकॉर्ड्स हैं उनको अगर हम अच्छे से प्रॉपरली साइंटिफिक मेथड से यूज़ करें हिस्टोरियन अगर इम्पारशल रहे अपने पर्सनल ओपिनियन उसमें ना डालें तो इट इज़ पॉसिबल कि हम पास्ट को रिकन्स्ट्रक करने उसको दोबारा से लिखें और अगर सारे फैक्ट्स हमें पता चल जाएँ तो ये पॉसिबल है कि हम एक अल्टीमेट हिस्ट्री लिख सकते हैं अल्टीमेट यानी कंप्लीट हिस्ट्री लिख लेंगे जिसको कोई भी फिर रिप्लेस नहीं कर सकता अब इसमें इस वाली थिंकिंग में ये प्रॉब्लम थी कि इसमें इंटरप्रिटेशन का रोल बहुत कम हो जाता है क्योंकि ऐसी हिस्ट्री राइटिंग जिसमें सिर्फ फैक्ट्स की बात हो तो उसमें हिस्टोरियन का इंटरप्रिटेशन तो होगा ही नहीं और इंटरप्रिटेशन क्या होता है द वे ऑफ एक्सप्लेनिंग फैक्ट्स तो अगर फैक्ट्स को एक्सप्लेन ही नहीं किया जाएगा तो इंटरप्रिटेशन नहीं होगा और इंटरप्रिटेशन नहीं होगा तो किसी भी हिस्टोरियन के लिए लिखना बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा हिस्ट्री राइटिंग सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स की ही बात करेगी विच इज़ नॉट पॉसिबल और इसीलिए इसको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है नाइन्टीन सेंचुरी के ख़त्म होने से भी पहले इन सारे बिलीफ को अनरीजनेबल माना जाता है जब नई नई टेक्निक्स अप्लाई होती हैं आर्कोलॉजी में और नई नई इंफॉमेशन डिस्कवर्ड होने लगती हैं नाइन्टीन सेंचुरी तक सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखी जाती थी बट अब सोशल इकोनॉमिक और कल्चरल हिस्ट्रीज भी लिखी जाने लगी थी जिसके वजह से हिस्टोरियंस सेम डॉक्यूमेंट सेम सोर्स को अलग अलग पर्सपेक्टिव अलग अलग पर्पस से देख रहे थे जैसे जैसे हिस्ट्री में रिसर्चेज़ होती हैं बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं कि जिस तरह से प्राइमरी सोर्सेज को एकदम क्लीन माना जा रहा था कि उसके बेसिस पर हिस्ट्री राइटिंग में ऑब्जेक्टिविटी लिखी जा को यूज़ किया जा रहा था ये पता चलता है कि प्राइमरी सोर्सेज भी उतने रिलायबल नहीं हैं इतना उन पर भी बिलीव नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत सारे प्राइमरी सोर्सेज ख़ुद सेकेंडरी सोर्सेज पर बेस्ड हैं इन सब चीज़ों की वजह से ट्वेंटी सेंचुरी में रैंकि ट्रेडिशन को क्रिसाइज किया जाता है और नए नए इन्फ्लुएंशियल हिस्टोरियोग्राफिकल स्कूल हमें देखने को मिलते हैं जैसे मार्क्सिस्ट एंड अनालस स्कूल लेकिन जब जब वॉर्स हुई हैं तब तब हमें हिस्ट्री राइटिंग इफेक्ट होती हुई दिखी है जो मतलब ऑब्जेक्टिविस्ट ना हो साइंटिफिक ना हो जैसे कि कोल्ड वॉर कोल्ड वॉर होने के बाद हमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल साइड देते हुए दिखे फेवर करते हुए दिखे कई दफ़ा ओपिनियंस को छुपाते हुए दिखे डिप्रेशन की वजह से कि उन पर कोई बात ना आए तो ये चीज़ें हमें इन सब चीज़ों की वजह से इन हिस्ट्री राइटिंग पर असर पड़ता है नाइल इट्स मूव टू दी अनदर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री हु आर द अर्एस्ट क्रिटिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री वॉट आर देयर आर्ग्यूमेंट्स डू यू एग्री विद दम सो बेसिकली हमें बताने हैं ऑबजेक्टिविटी का क्रिटिसिज्म के कौन कौन से स्टेडिशन uh, ने ऑब्जेक्टिविटी को क्रिटिसाइज़ किया है कि हिस्ट्री में कितना पॉसिबल है कितना नहीं सो लेट्स सी सो बेसिकली थ्री लाइन्स ऑफ क्रिटिसिजम है यानि तीन चीज़ों के बेसिस पर जो हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिविटी का आइडिया है उसको क्रिटिसाइज़ किया गया है सो so, सबसे पहले है कंस्ट्रेंट्स ऑफ एविडेंस यानी जो एविडेंस भाई सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है कि जो भी पास्ट में हुआ है जो एक्चुअल में हुआ है रियल में उसको एज इट इज़ दिखाना थ्रू uh, हिस्ट्री तो वो ऑब्जेक्टिविटी है बट इन थ्योरीज़ में हम क्या पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिविटी uh, यानी जो रियलिटी पास्ट में हुई है वो एज इट इज़ हमें हिस्ट्री से नहीं पता चलती यानी ऑब्जेक्टिविटी हमें नहीं मिल रही है उसके बेसिस पे यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया गया है जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कंस्ट्रेंट्स ऑफ एविडेंस एंड इंडिविजुअल बायस यानी एविडेंस जो है वो उसका जो स्कोप है वो लिमिटेड है एविडेंस को क्योंकि मानते थे कि एविडेंस अगर हमें मिल गया एक रिलायबल एविडेंस हमें मिल गया तो हम हिस्ट्री को लिख सकते हैं बट ये पहले एविडेंस को बता रहे हैं कि एविडेंस का जो स्कोप है वो ही लिमिटेड है फिर इंडिविजुअल बायस कोई भी हिस्टोरियन है तो उसके जो थाट्स हैं वो हमेशा अनबाइज नहीं हो सकते जर्मन स्कॉलर कांते ये कहते हैं कि देखो जो ह्यूमन वर्ल्ड है उसको हम नेचुरल वर्ल्ड की तरह अंडरस्टैंड नहीं कर सकते उस क्योंकि देखो हमने पीछे पढ़ा था पॉजिटिविस्ट थ्योरी में कि जो ह्यूमन नॉलेज है उसको हम साइंटिफिक मेथड के थ्रू साइंटिफिक मेथड अगर हम यूज़ करें तो उसको हम समझ सकते हैं और कुछ जनरल लॉज भी बताए थे तो यहाँ पर ये इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भाई देखो साइंस नेचुरल वर्ल्ड वो अलग चीज़ है और जो ह्यूमन वर्ल्ड है वो अलग चीज़ है उसके बेसिस पर हम रियलिटी को रिकन्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते हिस्ट्री और साइंस की जो रिसर्च है वो बहुत अलग है दोनों में बहुत फ़र्क है जब हम कॉजेशन का चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें भी हमने पढ़ा था कि कितना डिफरेंस है दोनों में जो नेचुरल साइंस है उसमें जो रिसर्च होती है उसमें जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो लैब में होते हैं बट हिस्ट्री में ऐसा पॉसिबल नहीं है तो वी कैन नॉट अप्लाई दी लॉज ऑफ साइंस इन हिस्ट्री इसी तरह से एक इटालियन हिस्टोरियन है जिनका मानना है कि देखो हिस्ट्री जो है वो हिस्टोरियन के माइंड से लिखी जाती है वो हिस्टोरियन का क्रिएशन है जो भी पास्ट में हुआ क्यों क्योंकि जब भी कोई हिस्टोरियन हिस्ट्री लिखता है पास्ट के बारे में जो चीज़ें लिखता है वो एविडेंस के बेसिस पर लिखता है और जो भी एविडेंस मिलते हैं उनके बेसिस पर वो अपना इंटरप्रिटेशन देता है और जब इंटरप्रिटेशन हो हुआ यानी कि अपना सबका अपना अपना वे ऑफ राइटिंग है यानी सब अपने अपने तरीके से लिख रहे हैं तो हर एक हिस्टोरियंस कोई भी चीज़ ऐसी तो लिखेंगे नहीं जो कॉमन हो क्योंकि सबका माइंड अलग अलग तरीके से काम करता है हो सकता है जो एक एविडेंस मिला हो वो हिस, एक हिस्टोरियन के पर्सपेक्टिव से अलग हो दूसरे हिस्टोरियन के पर्सपेक्टिव से अलग हो बट पास्ट में जो हुआ है वो तो एक ही चीज़ है ना क्योंकि रियलिटी तो एक ही है ना बट हिस्टोरियन जब उसको अपने अपने तरीके से लिख रहे हैं तो इट मीन्स कि वो रियल पास्ट को तो लिख ही नहीं रहे हैं तो हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ थाट इसी तरह से ई एच कार का कहना है कि जो हिस्टोरियंस हैं वो पास्ट को प्रेजेंट के लेंस से देखते हैं यानी जो भी प्रेजेंट में जो उनके आइडियाज हैं जो पॉलिटिक्स है वो उनके माइंडसेट को शेप करती है और वो हमें उनकी हिस्ट्री में दिखता है फॉर एग्जांपल जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जिसे हमें हड़प्पन सील मिली है तो हम उसको आज के टाइम से जोड़ते हैं कि हो सकता है जैसे आज स्टैम्प यूज़ की जाती है वैसे ही वो भी एक स्टैम्प की तरह यूज़ की जाती होगी अब दो तरह से प्रोसेस होता है अब पहली चीज़ के एक तो जो रिकॉर्ड करने वाला है उस टाइम पर रिकॉर्डर वो उसी चीज़ को रिकॉर्ड करता है जो उसे लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट है फिर सेकेंडली फर्दर हिस्टोरियंस भी उसी चीज़ को उसी फैक्ट को सेलेक्ट करता है जो उसे लगता है कि हाँ इसको हम मुझे लिखना चाहिए जिसको वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देता है जिसको वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट समझता है तो इस तरह से इनका मानना है कि इस तरह से हमें जो हिस्टोर मतलब हिस्ट्री है जो पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं एक तरह से वो दोबारा रियलिटी में कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाता नेक्स्ट इज़ कल्चरल रिलेटिविज़्म इस ट्रेडिशन के हिसाब से जो हिस्टोरियंस पास से रिलेटेड कोई भी चीज़ लिखते हैं कोई भी राइटिंग करते हैं उसमें उनके आइडियाज़ उनके कंसेप्ट उनकी लैंग्वेज रिफ़्लेक्ट होती है यानी कि उनका जो कल्चर है वो इन्फ्लुएंस करता है उन राइटिंग्स में और क्योंकि ऐसी राइटिंग्स कल्चरली डिटर्मेंड होती हैं तो वो ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकती उसमें हमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं दिखेगी उसमें हमें कंसेप्ट और बिलीव्स दिखेंगे उस इंसान के जिसने उसको लिखा है जो उसका कल्चर उसे जो उसके कल्चर की देन है नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन जो कहते हैं कि देखो लैंग्वेज जो है लैंग्वेज में जो वर्ड्स होते हैं वो कोई कंसेप्ट देते हैं कुछ आइडिया देते हैं बट कोई कॉन्क्रीट चीज़ नहीं देते हैं यानी कि कोई रियलिटी वाली चीज़ नहीं बताते बस ये एक थाट्स हैं जो हमें वर्ड की फॉर्म में दिखते हैं तो ये जो हिस्ट्री लिखी जाती है ये पास्ट नहीं है रियालिटी ऑफ पास्ट नहीं है बल्कि ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमें कंसेप्ट देते हैं एक आइडिया देते हैं और क्योंकि लैंग्वेजेस के एक एक वर्ड के कई कई मीनिंग्स होते हैं तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम हिस्ट्री को ऑब्जेक्टिवली ले लिख लें जो ट्रुथ हैं उसको एग्जैक्टली exactly समझ लें और इसीलिए ये हिस्टोरिकल नेरेटिव को यानी हिस्ट्री में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उसको फिक्शन मांगते हैं फिक्शन यानी कि मन बातें सो अकॉर्डिंग टू दैम हिस्टोरियंस जो भी पास्ट में हुआ है उसकी रियालिटी को फिर से कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम। सो इट वॉज़ ऑल अबाउट द क्रिटिसिजम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी आई होप आपको समझ में आया होगा